हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लाइफ ऑफ अलका। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ मैं कंट्री डिलाइट का ताज़ा पनीर यूज़ कर रही हूँ। और अब मैंने ये घी लिया है कढ़ाई में, थोड़ा सा ही लिया है, 1 चम्मच। अब घी में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। अब इसके बाद मैं ये प्याज डाल रही हूँ। अब प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। अभी लाइट ब्राउन हो गए हैं तब हम इसमें डालेंगे टमाटर, क्योंकि हम भुर्जी बना रहे हैं ना, तो उसमें ज़्यादा टमाटर डालने की जरूरत है। हम बस थोड़े से टमाटर डालेंगे। इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस अब मिक्स कर देंगे हम। अब मेरा मसाला अच्छे से पक गया है, तो मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ। पनीर को मैंने हाथों से ऐसे मैश कर रही हूँ, क्योंकि अपन भुर्जी बना रहे हैं। तो देखिए, पनीर की भुर्जी बिल्कुल रेडी है, झटपट वाली। मैंने मसाले मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए। और अब मैं बस इसको स्लो गैस पे 2 मिनट तक पकने दूंगी और हमारी सब्जी रेडी है। तो इधर मैंने रजत का लंच पूरा रेडी कर दिया था, चपाती, सब्जी एंड सैलेड। और ये जो आप ये लंच बॉक्स देख रहे हैं ना, मिल्टन का लंच बॉक्स है, काफ़ी अच्छा है। इसमें ऐसे 3 तो ऐसे बॉक्सेस आए थे लंच के लिए, और साथ में ग्लास आया था जिसकी भी कैप थी, कवर थी, आप बटर मिल्क लेके जा सकते हैं। और फ्रंट में एक पॉकेट दी हुई थी जिस, यहाँ पर मैं हमेशा स्पून रख देती हूँ। तो इनका पूरा लंच बॉक्स रेडी था। अब मैं आप लोगों से सीधा शाम को मिल रही हूँ। शाम को हम लोग मॉल गए थे, ये थाने वेस्ट का विव्याना मॉल है, काफ़ी बड़ा मॉल है, आई थिंक थाने वेस्ट का सबसे बड़ा मॉल ही यही है। तो यहाँ पे हम पहुँचे थे, फिर अव्युक्त ने, शाम का टाइम था तो अव्युक्त ने कहा उसे भूख भी लग रही है, तो हम सीधा फूड कोर्ट में गए थे। फिर वहाँ पे सब ने बर्गर पार्टी करी थी, और मॉल में बहुत ज़्यादा ही रश था। इवन मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था इतनी पब्लिक को देख के, क्योंकि आजकल केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं। तो हम लोग, वैसे तो हम लोगों ने मास्क पहन रखा था, पर फिर भी, तो फिर हम लोगों ने सिर्फ जितना हमें शॉपिंग करनी थी वो करके फिर हम लोग भी जल्दी निकल गए थे मॉल से। तो अभी अव्यक्त के पापा और मामा, लाइक मेरे भैया, ये लोग थोड़ा कुछ शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, इनको कुछ सामान देखना था, तो ये क्रोमा के स्टोर में गए हुए थे। तब तक हम लोग उनका वेट कर रहे थे इधर ही, क्योंकि अव्यक्त टिक नहीं रहा था। तो मुझे यहाँ पेंडा की एक ट्रेन घूमती ना मॉल में, वो दिख गई थी, तो फिर मैं अव्यक्त को लेकर वहाँ बैठ गई थी। और इतनी देर में ये लोग भी आ गए थे, तो मैं इनको कैमरा दे दिया था कि आप लोग हमारे साथ शूट कर लो। तो ये सब उसके, उनके, अव्यक्त के मामा और अव्यक्त के पापा ने शूट किया हमारा। लाइक इतना अच्छा रहता है ना बच्चों के साथ, हमें भी बैठने का मौका मिल जाता है। पर अब अव्युक्त कितना, 4 ईयर्स हो गया, आई थिंक 4 ईयर्स तक ही अलाउड है, 5 ईयर्स के बच्चे अलाउड नहीं है। तो अभी अव्युक्त को मैं सोची एक दो बार मॉल और ले जाती, ताकि मैं भी अपने शौक पूरे कर लूँ बैठने के। तो इन्होंने पूरा 100 रुपीज चार्ज किया था, और दो पूरे, जैसे सेकेंड फ्लोर पर था ये, तो पूरे सेकेंड फ्लोर का राउंड करवाया था, हाफ सेकेंड फ्लोर का। तो ये विव्याना मॉल काफ़ी बड़ा है, पर वर्थ था। और जो बाइक और कार रहते हैं रिमोट वाले, उनका वो 100 रुपीज़ में केवल सिंगल राउंड करवाते हैं। तो अभी रात के 10:30 हो गए हैं, और हम लोग जस्ट अभी रिटर्न हो रहे हैं। तो बाकी सबने तभी फिश ली है, और मैं भी खाऊंगी बिरयानी हाउस से बिरयानी। इन दो बंदों ने खाई है फिश, इस बंदे ने कुछ भी नहीं खाया है, और ये बंदी खाएगी बिरयानी हाउस की बिरयानी, वेज बिरयानी। देखिए रात हो रही है। क्या टाइम हो रहा है आज? फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और अब ओ माय गॉड 10:52 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजने वाले, और हम लोग घर पहुंच गए हैं। और अब वो सुपर हैप्पी है। वो आप सुपर हैप्पी क्यों? अब्यूक्त भाई
वेट वेट यस थैंक्स स्लोली स्लोली। वाह, तो ये है ये टॉय जो अभी अपने ऑर्डर किया है। तो चलिए देखते कैसे वर्क कर रही है। वेरी गुड, वाह, शो मी योर इंजन, कीप इट हियर। तो ये वाला टॉय अव्युक्त ने खुद ही ने पसंद किया था। ये एक्चुअली कार्टून देखता है, ये ब्लाद एंड मिकी, उसने उसने देखा था ये, तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था मंगाने का, तो उसके पापा ने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। और मतलब कॉस्टली था, लाइक 900 का था कुछ टॉय, पर वर्थ था, लाइक कुछ डिफरेंट था। और ना हर बार क्या होता है मुझे कार देता था, फिर इतनी सारी कार ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी थी, पर इस बार उसने कुछ डिफरेंट मंगाया जो थोड़ा इंटरेस्ट भी ले रहा था ये, तो मुझे अच्छा लगा। क्वालिटी अच्छी थी, इवन 7 डेज का रिटर्न भी था, क्योंकि इश्यू का रिटर्न कर सके तो अच्छा आप चेक कर सकते हैं। चलिए आज का ब्लॉग यही, यू हिट वाइट वन ना, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। से बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स लाइक